डोटासरा ने बताए हार के कारण तो हाईकमान नहीं हुआ सहमत। कांग्रेस की हार के पीछे की असल वजह जानना चाहता है हाईकमान। गहलोत पायलट की अनबन को डोटासरा ने नहीं माना हार का कारण। राजस्थान में कांग्रेस बीते 5 साल तक सरकार में रही और ये दावा करती रही कि हमारी सरकार तमाम रिवाजों को तोड़ते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार फिर बनाएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। राजस्थान में राज बदल गया और रिवाज बरकरार रहा। खैर, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के हार के कारणों की प्रारंभिक रिपोर्ट दिल्ली यानी कि हाईकमान को भेजी है, लेकिन हाईकमान कुछ कारणों पर सहमत नहीं है। ऐसे में पार्टी डिटेल रिपोर्ट भी तैयार करवा रही है। प्रारंभिक रूप से हार का कारण सरकार की योजनाओं को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचाना और मिशन 2030 को वोटर्स को गले नहीं उतार पाना माना जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की योजनाएं अच्छी थी, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उन्हें ठीक से समझा नहीं पाए, वोटर्स को स्पष्ट नहीं करा पाए कि यदि सरकार चली गई तो ये योजनाएं बंद हो जाएगी। चलिए आपको विस्तार से वो कारण बताते हैं जो प्रदेश की कांग्रेस ने बताया है। पहला, कम मार्जिन वाली सीटों पर स्थानीय नेता ठीक से जजमेंट नहीं करा पाए और वोटर्स को बूथ तक नहीं ला पाए। दूसरा, वोटर्स को समझा नहीं पाए कि पार्टी हारी तो योजनाएं बंद हो जाएगी। तीसरा, बड़े नेता मंत्री भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने में सक्षम नहीं रहे। चौथा, बड़े नेता क्षेत्रों से बाहर नहीं निकले, अपने समाज के मतदाताओं तक को प्रभावित करने में नाकाम रहे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान हार के कारणों से सहमत नहीं है, तो इसीलिए अब डिटेल स्टडी की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में हार की एक बड़ी वजह गहलोत खेमे और पायलट खेमे में दूरियां भी रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि गहलोत और पायलट की गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पूरे 5 साल जो काम बीजेपी नहीं कर पाई उसकी कमी सचिन पायलट ने पूरी कर दी। पेपर लीक का मामला हो या फिर करप्शन का या फिर भ्रष्टाचार का या फिर कानून से जुड़ा कुछ मामला, बीजेपी से ज्यादा सचिन पायलट और उनके समर्थक अशोक गहलोत को निशाने पर लेते रहे। बीजेपी को मुद्दा मिलता गया, कांग्रेस को नुकसान होता गया। अब देखते हैं कि प्रदेश की कांग्रेस हाईकमान को डिटेल स्टडी में क्या तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान हार के कारणों से सहमत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।